हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज के इस पार्ट में हम लोग ईवीएस का चैप्टर 15 करने जा रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल एक्शन पार्ट 3। नाउ ये चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या है? इट इज द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय मैन। कंज्यूमर कौन है? जो चीज को कंज्यूम कर रहा है, बना नहीं रहा है, जो चीज को कंज्यूम कर रहा है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करना, मैन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो कंजम्पशन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज की। एंड कंज्यूमिंग ऑफ रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमरिज्म। अब कई रीजंस हैं जिससे आजकल कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। नाउ व्हाट आर द रीजंस? सबसे पहला रीजन है चेंज इन लाइफ स्टाइल। हमारा रहन सहन चेंज हो गया है, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं और चेंजेस आ गए हैं हमारी सोसाइटी में, तो ये रीजन है जिसके कारण हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं। ऐसे ही यूज एंड थ्रो पॉलिसी। कई बार हमारी नेचर होती है कि हम एक चीज को थोड़ी देर यूज करते हैं और फिर हम उससे बोर हो जाते हैं, देन वी थ्रो इट अवे। तो ये जो यूज करना और थ्रो करने की पॉलिसी है दैट ऑल्सो जनरेट वेस्टेज एंड इंक्रीजेज द कंज्यूमरिज्म। फिर कॉम्पिटिशन है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल हमारे पास हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमारी एनर्जी रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। हम जैसे देख सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, हमारे पास कैमराज, हमारे पास टेलीविजन वगैरह, कितने नए नए गैजेट्स जो है वो डे बाय डे आई जा रहे हैं और हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही यूज एंड थ्रो पॉलिसी, हम कोई भी चीज लाते हैं वो थोड़ी देर में हमें पुरानी लगने लग जाती है एंड वी जस्ट थ्रो इट अवे और फिर हम नई ले आते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जब हम उसे थ्रो कर देते हैं तो वो एक वेस्ट बन जाता है और वो वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और कई बार तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। जैसे सॉइल पोल्यूशन है, मोर बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है उसकी वजह से एंड दैट डिटीरियोरेट्स ओवर एनवायरनमेंट। और नई चीज बनाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, दैट ऑल्सो एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन। अब बहुत सारी चीजें कई बार कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं कॉम्पिटिशन की वजह से। हर पर्सन अपने चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करता है तो दैट अट्रैक्ट्स द कस्टमर और वो नई चीजें खरीद लेता है हालांकि उसको उसकी जरूरत नहीं होती, तो दैट ऑल्सो जनरेट्स प्रॉब्लम। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज ड्यू टू कंज्यूमरिज्म? सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस। नाउ व्हाट डज इट मीन? एनर्जी क्राइसिस मींस जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ जाती हैं। जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स यूज होते हैं और उनकी कमी हो रही है। ऐसे ही पोल्यूशन हो रहा है एयर वाटर सॉइल का। अब जैसे मान लीजिए हम पेन नहीं ले रहे हैं, हम पेन को एक बार यूज करते हैं और फिर उसको थ्रो कर देते हैं, तो अब वो जो पेन है उसे बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे और जब उसका मैन्युफैक्चर होगा तो उसे एयर वाटर सॉइल का पोल्यूशन भी होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उससे अराइज होंगी। ऐसे ही ओजोन डिप्लीशन है। कई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहे हैं, तो दे आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत हार्मफुल है। इन्हीं की वजह से डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं कई तरह की, कई तरह से ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, कई रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, कोई हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, तो ये नुकसान पहुँचाते हैं हमें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और अराइज हो रही है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब इतनी सारी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें वेस्ट में उसको फेंक रहे हैं, तो ये वेस्ट कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ इसके लिए कुछ एक सॉल्यूशंस हैं, लाइक यू कैन यूज द पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन क्योंकि ये रिसाइकलेबल है। ऐसे ही सोलर चूल्हा यूज करें इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल चूल्हा व्हिच वी आर यूजिंग एट होम बिकॉज दे कॉज पोल्यूशन। ऐसे ही फ्यूल्स में हम सीएनजी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, दीज आर वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे डू नॉट कॉज सो मच पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है लेकिन बाकी जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, उन सब से बच जाते हैं हम। ऐसे ही पेट्रोल की जगह बायोगैस
यूज करना, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द वेस्ट ऑफ द एनिमल्स, ऐसे बायोडीजल। देयर आर सर्टन प्लांट्स जिनमें ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, एंड स्टडीज आर गोइंग ऑन टू फाइंड आउट सच ऑप्शंस। ऐसे लेदर की जगह पॉलीविनाइल क्लोराइड या नॉन वोवन फैब्रिक्स वगैरह यूज करना, जिससे ऊपर एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स की स्किन के लिए उनको ना मारा जाए। ऐसे ह्यूमन बॉडीज को बर्न करने के लिए इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, जिससे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता है, डेड बॉडी पूरी तरह बर्न हो जाती है और उसमें बहुत ज्यादा वुड कंज्यूम नहीं होती है, दैट इज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही ग्लास बॉटल्स यूज कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह, बिकॉज ये रिफिलेबल बॉटल्स होती हैं, इनको दोबारा फिल करके फिर यूज किया जा सकता है। उसी तरह मिल्क में पैकिंग की जगह पॉली पैक्स की बजाय ग्लास बॉटल्स को यूज किया जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो मिनिमाइजिंग द वेस्ट। इसी तरह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हमें पता है कि वो हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और अगर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, सो वी कैन यूज बायो पेस्टिसाइड्स इंस्टेड ऑफ डीडीटी। और सबसे अच्छी चीज है कि हमें जो फार्मिंग करनी है उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, विच शुड नॉट इंक्लूड द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड और हार्मफुल फर्टिलाइजर्स, एक्सेस यूज वगैरह सब कुछ इसमें बंद हो जाता है। सो दैट इज वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ and for over the environment also. So this was about the different measures जिससे कि हम लोग अपने environment को बहुत अच्छा बना सकते हैं। Thank you.